राजनीति। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। तो आज है छुट्टी, वीकेंड चल रहा है और मैं तो सुबह से बहुत जल्दी उठ गई थी, पर बच्चे अभी उठे हैं क्योंकि वीकेंड है। तो मैं कहती हूँ चलें जितना सोना चाहे सो लें, तो बस बच्चे उठ गए हैं। अब मैं इनको ब्रश करवा रही हूँ और यहाँ पे बच्चे ब्रश कर रहे हैं, बस कहते मामा बस। मेरा यही होता है कि बच्चों को ना वीकेंड वाले दिन मैं ज़रा कहती हूँ आराम से उठ जाएँ, क्योंकि पूरा दिन वो स्कूल्स में खेलते कूदते, और ये जो दिन होते हैं ये जितना रिलैक्स करें उतना ही अच्छा है। तो खैर यहाँ बच्चों को ब्रश वगैरह करवाया मैंने, और अभी मैं किचन में जाने से पहले कह रही हूँ कि चलो थोड़ा सन ब्लॉक लगा लूँ, क्योंकि क्योंकि स्किन जो है ना वो इतनी, अभी थोड़ा मौसम चेंज होना शुरू हो गया है, तो अच्छा है कि चलो सनस्क्रीन से कुछ बचत हो जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप खाना बनाते हो, कुछ भी होता है, तो स्किन बड़ी ना ख़राब हो जाती है किचन में जाके फिर बाहर अंदर जाना। तो खैर यहाँ पे जी मैं सन ब्लॉक अप्लाई कर रही हूँ, और मैं मुझे कभी इतना कोई सन ब्लॉक ना सूट नहीं किया, तो मैं ना ये वाला जो है ना ये बहुत ही अच्छा है। मेरे अक्सर क्या होता है कि स्किन ऐसी है कि कोई भी ऐसा सन ब्लॉक है उसको तो पिम्पल शिम्पल निकल आते हैं, तो ये मैं ना सेबामिड का है ये जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, आजकल क्या कि कुछ अरसे से, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने जिस जिसको भी बताया है उन्होंने भी यूज़ किया, तो उन्होंने भी कहा कि बड़ा ज़बरदस्त है ये ना। जी मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने चाय बना ली अपने लिए। मैंने कहा चलो बच्चों को नाश्ता दे रहे, मुझे भी देर होगी, नाश्ते के टाइम मैंने भी चाय पी थी, तो अपने लिए चाय भी बना लेती हूँ। और मुझे भी ना थोड़ी सी भूख लग रही थी, पर मैंने कहा नहीं पहले बच्चों को नाश्ता दे दूँ, अभी फ़िलहाल चाय पी लेती हूँ, बाकी फिर बाद में खाना खाती हूँ। तो नॉर्मली तो बच्चे जो है ना जब स्कूल जाते हैं तो बस कहते हैं बटर जैम और दूध दे दे मामा, लेकिन वीकेंड पे क्या होता है कि घर पे क्योंकि होते हैं मैं स्कूल में नहीं देती, मुझे पता है कि ये ना लंच बॉक्स ऐसे वापस आएगा, तो घर में मैं ऑमलेट वगैरह बड़ा सिंपल सा सिर्फ हल्की सी काली मिर्च नमक डाल के बना देती हूँ, और बच्चे शौक से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता इनका मैं बना रही हूँ, और एक तरफ मैं टोस्ट को टोस्ट कर लेती हूँ। तो जी मैं ये वाली ब्रेड यूज़ करती हूँ लोज़ीन की, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड है, इतनी फ्रेश ब्रेड और बहुत ही मज़े की होती है। वाइट ब्रेड अभी मैं कुछ दिनों से सोच रही हूँ कि इनको ना ज़रा स्विच करती हूँ ब्राउन ब्रेड पे ना, लेकिन अब पता नहीं खाएंगे नहीं, क्योंकि मैं कहीं देख रही थी कि वाइट ब्रेड इतना ज़्यादा भी देना सही नहीं है ना बच्चों को, क्या हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो कोशिश करती हूँ, अभी मैं सोच रही हूँ कि ये खाएंगे नहीं खाएंगे, तो ट्राई करूँगी कि अब ब्राउन ब्रेड ही घर में लाऊँ और वही इनको भी दूँ और ख़ुद भी वही खाऊँ, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा रोज़मर्रा में तो हमारी ब्रेड वाइट ब्रेड यूज़ होती है, तो इससे कहते हैं बहुत सी बीमारियां लगती हैं और बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अब इसको चेंज करूं, और बस ये सिंपल सा इनका नाश्ता अंडा, और इसके ऊपर मैंने ब्रेड अंडा डाल के ब्रेड का एक सैंडविच टाइप बना दिए, साथ में इनको दूध दे देती हूँ ताकि थोड़ा तसल्ली भी हो जाए यार हेल्दी चीज़ खाई है इन्होंने कुछ। ये माओ का आपको पता है बड़ा एक इशू होता है कि भाई बच्चे जो भी खाएँ हेल्दी खाएँ, तो खैर मेरी भी ये कोशिश होती है कि हेल्दी जाए, इससे हेल्दी हो अंदर से, ना इतना घुपले घुपले ना भी हों लेकिन एक्टिव होने चाहिए बच्चे। तो ये इनका नाश्ता और एक एक एक्स्ट्रा स्लाइस मैंने रख दे, क्योंकि फिर ये बात करते मामा हमने अंडा फिनिश किया है तो अब आप हमें ना ये दे दें, एक एक ब्रेड बटर जैम दे दें या चॉकलेट ब्रेड दे दें, तो मैंने एक एक्स्ट्रा रख दिए कि अगर मांगेंगे तो दे दूँगी। यहाँ जी बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, और आज ना हमने एक छोटा सा ना छोटा सा नहीं काफ़ी फैमिलीज़ हैं गेट टुगेदर रखा हुआ है यहाँ पे ना, ज़रा शारजा से आगे एक माउंटेन एरिया हिल स्टेशन टाइप है, तो वहाँ पर जाना है शाम में। तो मैंने कहा कि क्या खाना शाना बनाऊं, तो अब मुझे भी भूख लगी थी, तो रात को हम बाहर गए थे खाना खाने, तो वहाँ से जो बचा वो मैंने पार्सल करवा लिया था, तो मैंने कहा चलो वही खा लेती हूँ अभी ना। तो ये जी इतना मज़े का यहाँ से मिलता है हमारा चारकोल चिकन, और ये राइस इनके बिरयानी राइस प्लेन थे, बहुत ही बड़े मज़ेदार किस्म के होते हैं। तो मैंने कहा चलो अभी रात को तो जाना ही है और मैं ये खा लेती हूँ तब तक, साथ ये हुमस है और चाय भी मेरी बन रही है, तो चले मैं खाना खाती हूँ।
फिर मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को भी रेडी करती हूँ, ख़ुद भी होती हूँ। और ना ये ना पाकिस्तान से मैं बनाना लेके आई थी, पाकिस्तान से नहीं सॉरी, मुझे पहली बार पाकिस्तान जैसे यहाँ पे छोटे छोटे बनाना मिल गए लुलू से। अदरवाइज जब भी देखे वो बड़े बड़े बनाना मिलते हैं और उनका बिल्कुल भी, वो घर लाते लाते ही ना ख़राब हो जाते हैं। तो बस ये मैं वो लेके आई थी, अच्छे मिल गए मुझे। और यहाँ मैं तकी वो कह रही थी कि प्लीज़ इसको फिल कर लाओ, गया कह रहा था मामा क्योंकि मुझे था कि बेटा आप फिल कर लाओ, तो मैंने मेडिसिन खानी है, तो मैंने उसको पानी लेने भेज दिया। और यहाँ पे ये देखे धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है, बस शाम को हमने क्योंकि जल्दी निकलना है 5-6, आजकल ना वैसे थोड़ा दिन लंबा होता जा रहा है और ये है कि टाइम चेंज हो रहा है क्योंकि रमज़ान आने वाला है। तो बस मैं ये खाना खाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा नमाज वगैरह पढ़ के तो फिर मैं अपनी तैयारी शुरू करती हूँ। और ये इसके साथ खुबस भी लाई थी मैं, तो चले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मैं फिर बच्चों की तैयारी करूँ रात के लिए, क्योंकि हमने तकरीबन 5-6 बजे यहाँ से निकलना, और भी तैयारी करनी, कुछ साथ भी चीज़ें लेके जानी है। तो खाना खाने के बाद अपनी तैयारी करते हैं और निकलते हैं, आपको भी लेके चलती हूँ। जी तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि तैयार श्यार हो गए, तो आज थोड़ा सा एक फैमिली गेट टुगेदर है, यानी कि कुछ फ्रेंड्स हैं फातिमा के बाबा के और उनकी फैमिली है। तो बस ऐसे ज़रा, क्योंकि ये मौसम जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंतज़ार रहता है UAE में ऐसा मौसम हो ताकि हम बाहर जाएं और मज़े करें, तो बस इसी वजह से आज प्लान था। तो वीकेंड है तो हमने कहा चलें चलते हैं। जैसे कि देख रहे हैं फातिमा ने कैसे जैकेट वैकेट पहनी हुई है, क्योंकि वहाँ कहते हैं कि ठंड है। तो हम जा रहे हैं जी शारजा से काफ़ी दूर एक जगह है, फ्राइडे मार्केट से भी आगे कुछ डेजर्ट है, जहाँ पे हमने जाके ऐसे गेट टुगेदर है, थोड़ा सा सिंगिंग प्रोग्राम है। तो बस चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं अपना प्रोग्राम। ये ऐसी जगह पे आए कि मुझे तो डर लग रहा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ कितना खौफनाक। पता नहीं ये लोग कहाँ आके बैठे, ये देखें, बल्कि मैं अपने फ्लैश बंद करती हूँ। उफ, ये हम कहाँ जा रहे हैं कोई आइडिया नहीं। ध्यान से साइड पे लाइट तेज कर ले, कुछ मुझे नहीं लग रहा इधर होंगे। ये फजेरा वाली साइड पे कोई जगह है जहाँ पे हम इस वक्त जा रहे हैं, इधर अंदर करके कहाँ बैठे होंगे पता नहीं। वो दूर एक लाइट नज़र तो आ रही है आग जलते हुए, वो देखे अल्लाह माफ करे, ये कोई जगह ढूंढ ली गाड़ खड्डे देखे था। वो पाकिस्तान होता तो मैं भी कहती वापस चलो। वो देखो एक लाइट नजर तो आ रही है, ये देखे ये इधर कोई जादू टोना कर रही ये कोई जादू टोना कर रहे, मुझे तो लग रहा है। नहीं नहीं बैठे हुए हैं यही है। खैर जी हम पहुंच गए हैं, पर यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से बात ना कर सकूं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हैं ये जी सारे मुख्तलिफ पूरा पाकिस्तान यहाँ पे है, कोई कहीं से, कोई पंजाब से, कोई सिंध से, कोई KPK से हैं। तो हम सारी फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं इंजॉय करने के लिए। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये वाकई जंगल में मंगल लगा हुआ है इस वक्त, इसको आप कह सकते हैं जंगल में मंगल। में चले आपको दिखाती हूँ हम पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान की याद कैसे जिंदा करते हैं। रात मेरे नाम करो, तो मेरा एक काम करो। बच्चे यहाँ इतना एंजॉय करा रहे कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे मैंने कहा चलें बच्चों को भी साथ साथ देखती हूँ, कहीं जंगल में इधर उधर ना निकल जाए। और बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं। फातिमा फातिमा, और जहाँ कराची के लोग हों वहाँ बिरयानी ना हो ये कैसे हो सकते हैं। और जी खाने में सब बिरयानी भी है जो कि बहुत स्पाइसी है। अरुणा
ये कौन है? ये देखिए, ये हम किस तरह से देखिए सब गाड़ियाँ आगे पीछे लगा के निकल रहे हैं बस। और मम्मा मैं एक मिनट बेटा, सब निकल गए, हम भी बस निकल रहे हैं। हालत देखिए हमारी क्या हो गई है। मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। ये देखिए बस ये है कि अभी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है ना। तो क्या किया, क्या किया, हमने माउंटेन नहीं दिखाए थे, छोटे छोटे से उस पर क्लाइम किया। हो काकू ध्यान से, ये देखिए जरा, ये तो हाल है, गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी पड़ेगी। हम जरा मेन रोड पे पहुंच जाएं फिर बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम अपने रास्ते पे निकल पड़े हैं। रात बहुत हो गई है, तो खैर चले, मुझे भी इजाज़त दें, आप भी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।